नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। आज विश्व हिंदू महासंघ की बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि कानपुर मंडल प्रभारी उमेश हिंदू जी रहे। बैठक का संचालन महानगर अध्यक्ष प्रवीण मिश्रा जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सभी सदस्यों का माल्यार्पण किया गया। सर्वप्रथम भारत माता की पूजा की गई। बहुत ही करवट कार्यकर्ता है विश्व हिंदू महासंघ के, इस समय प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रवीण मिश्रा, महानगर अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ। आज जो यहाँ कार्यक्रम है उसके बारे में समीक्षा करें। ये एक छोटा सा हमारा कार्यक्रम है, जिसमें हमने नए पदाधिकारियों जिनको पदारोहण करना था उनको सबको बुलाया हुआ है। कोरोना काल में हम ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। इस एवज में मैंने कुछ पदाधिकारी जो आज नमित होने हैं, मैं उन्हीं को ही बुलाया है। और मैं चाह रहा हूँ कि हमारा संगठन और मजबूत हो। जो हमारी इकाइयाँ खाली रह गई थी वार्ड स्तर पे, और उनमें जो भी पदाधिकारी नियुक्त हुए, आज उनकी नव घोषणा होनी है। आपका जो संगठन है वो किस प्रकार से कार्य करता है पूरे क्षेत्र में, पूरे कानपुर में? हमारा संगठन मुख्यतः हिंदुत्व के विकास के लिए कार्य करता है। कि अगर हम जितना भी हिंदुत्व का विकास, इन कहने का मतलब ये है कि जाति भेद से उठकर हम जितने भी हमारे गैर हिंदू भाई हैं उनको छोड़कर हम हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि बहुत समय से हिंदुओं को जो प्रताड़ना दी जा रही है, और आगे भविष्य में हिंदुओं का जो स्थान सुरक्षित नहीं रह जाएगा, उसके लिए हम एक अलग जगा रहे हैं कि आने वाले समय में हम सुरक्षित रहें, हमारे सारे हिंदू भाई सुरक्षित रहें। हम जाति व्यवस्था पे बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। हमारा हर हिंदू भाई हमारा भाई। विश्व हिंदू महासंघ मंडल परिवारी पद पर मैं काम कर रहा हूँ, और हमारा उद्देश्य है योगी जी मोदी जी की बातों को जन जन तक पहुँचाना, सबका साथ सबका विकास पे हमें काम करना है। और हमारा मुख्य उद्देश्य है इस समय जो सबसे ज़्यादा है कि छलावे के तहत लव जिहाद पे काम हो रहा है, उसको हमें रोकना। ये हमें विश्व हिंदू महासंघ ने पीड़ा उठाई है, इसको हम रोक करते रहेंगे। धन्यवाद। YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।